टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मीन मोशन। फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम था बर्थोलेट, जिसने 1803 में केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कवर किया। अभी इसकी डिफिनेशन क्या है? द केमिकल रिएक्शन एन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट मीन स्पीड, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। या इसकी डिफिनेशन हम कुछ यू भी करते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट आर कंटिन्यूसली चेंज एंड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आर कंटिन्यूसली चेंज एंड टू रिएक्टेंट। बट कंडीशन क्या है? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे पास हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट सो दिस इज चेंज, इसको डबल एरो से हम जाहिर करते हैं सी प्लस डी। नाउ ये सी प्लस डी ये हमारे साथ है प्रोडक्ट। सो इनिशियली रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की मिकदार जीरो होगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इसकी मिकदार इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की मिकदार जो है बढ़ेगी। सो एक वक्त आएगा कि यहां पे जो है रिएक्टेंट भी 50% और प्रोडक्ट भी हमारे पास 50%। तो जब ये इंटर कन्वर्जन होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में मुस्तकिल कंटिन्यू मोशन होता है तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लूं तो यहां पे हमारे साथ जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ये ए प्लस बी है जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी जिसको हम सी प्लस डी कहते हैं जो हमारे साथ है प्रोडक्ट। सो दिस इज कंसंट्रेशन वर्सेस और यहां पे हमारे साथ है टाइम। सो रिएक्टेंट की जो है कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की जो है ये बढ़ जाएगी, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है इस केमिकल रिएक्शन में इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। या मैं ले लू मेरे साथ है फर्स्ट करें मैं ले लू लिक्विड में ले लू, सो दिस इज चेंज एंड टू वेपर्स में ये चेंज होता है। नाउ जब लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन और जब वेपर्स दोबारा लिक्विड में तब्दील होता है तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये जो हमारे साथ एग्जांपल है, अगर मैं एग्जांपल ले लूं यहां पे हमारे साथ मैं जो है ड्रिंक का जो है ये ले लूं तो यहां पे लिक्विड है तो ये कंटिन्यूटी के साथ ये चेंज होता है। इसमें क्या है? इसमें H2O है प्लस CO2 है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 बनाता है। तो तसलसल के साथ यहाँ पे वेपर्स बनते हैं और वही वेपर्स दोबारा लिक्विड में तब्दील होता है तो जो इवापोरेशन और कंडेंसेशन का सिलसिला है ये कंटिन्यू रहता है। तो जब ये कंटिन्यू मोशन में होता है इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या हम इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ए नंबर ऑफ रिएक्शन हमारे साथ है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ले लू N2+3H2 अमोनिया में ले लू तो ये बनता है 2NH3 बनता है, या अगर मैं ले लू H2 ले लू प्लस I2 ले लू तो यहां पे जो है रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। सो व्हेन रेट ऑफ
forward reaction become equal to rate of reverse reaction, we say it chemical equilibrium, or we say it dynamic equilibrium.